यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के साथ ही अयोध्या में राम मंदिर बनाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। संतों ने धर्म संसद में फैसला लेते हुए इसी साल मंदिर का निर्माण कार्य शुरू करने का ऐलान किया है। अब एक बार फिर यूपी की सियासत में राम मंदिर का मुद्दा जीवित हो गया है। 2017 में होने वाले विधानसभा चुनाव के ठीक पहले संतों ने राम मंदिर बनाने का ऐलान किया है। उज्जैन में भारतीय संत सम्मेलन और धर्म संसद में अयोध्या में मंदिर बनाने की तिथि को लेकर फैसला किया गया है। संसद के फैसले की माने तो मंदिर का निर्माण कार्य इसी साल से 9 नवंबर को शुरू किया जाएगा। धर्म संसद के मुताबिक मंदिर के निर्माण की शुरुआत रामलाल परिसर में सिंह द्वार निर्माण से होगी। संतों ने बताया कि राम जन्मभूमि की 77 एकड़ जमीन निर्मोही अखाड़े की है। मंदिर निर्माण और जमीन को लेकर अखाड़ा लड़ाई लड़ता रहा है, लेकिन कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए ही मंदिर निर्माण की योजना होगी। भले इस मुद्दे को राजनीति से जोड़कर देखा जा रहा हो, पर धर्म संसद के संतों ने मंदिर निर्माण के कार्य को जनता के सहयोग से बनाने की बात कही है और साफ तौर पर मोदी सरकार की मदद लेने से इनकार कर दिया है। धर्म संसद का यह निर्णय ऐसे समय में सामने आया है जब आए दिन बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी राम मंदिर का मुद्दा उठाया करते हैं। उन्होंने सदन में यह भी कहा कि मंदिर निर्माण को लेकर केंद्र सरकार को अपनी राय साफ कर देनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ धर्म संसद संतों ने साफ कर दिया है कि राम मंदिर के निर्माण में मोदी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं चाहिए। मंदिर का निर्माण जनता के सहयोग से ही किया जाएगा। तो साफ है कि धर्म संसद का यह कदम यूपी की राजनीति में भूचाल ला सकता है, लेकिन अब देखना यह होगा कि क्या यह निर्माण कार्य वाकई शुरू होगा या फिर पहले की तरह यह सिर्फ एक चुनावी जुमला है।